ग्रैंड मास्टर का रीजन क्या हूँ, मैं अपनी आईडी में 10 से भी ज्यादा सीजन में ग्रैंड मास्टर किया हूँ, और हाँ मैं ब्रोंज से ग्रैंड मास्टर भी किया हूँ। लेकिन ये सब करने के लिए हम लोग को सीजन के स्टार्टिंग से रैंक पुश करना होता है। लेकिन क्या हो अगर हम सीजन के एंड होने से एक वीक पहले ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश करें, तो क्या हम ग्रैंड मास्टर लगा पाएंगे? और इस चैलेंज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर हम इंडिया के वेपन ग्लोरी टाइटल के लिए गन ग्लोरी पुश करें, तो क्या सीजन के एंड होने से पहले हमको इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल मिल पाएगा? मुझे क्या पता। तो फिर यही जानने के लिए मैं सीजन एंड होने से एक वीक पहले रैंक पुशिंग स्टार्ट कर देता हूँ ग्रैंड मास्टर इन जस्ट 7 days बिफोर सीजन एंडिंग का। ये होने वाला है day 3, और ये day 3 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सैड एंडिंग वाला होने वाला है। अब जैसे ही मैं गेम को स्टार्ट करके वेंडिंग मशीन पे स्नाइपर को परचेज करने आता हूँ, तो मैं जल्दी से पैक करके स्नाइपर को परचेज करके स्नाइपर की एमओ परचेज करता हूँ, और जल्दी से अपनी ग्लूवल को खोलता हूँ। और ग्लूवल खोलने पे एक एनमी के बहुत तेजी से फुटस्टेप आने लगते हैं, और पता चलता है कि एनमी ने हुक गन को यूज किया और वो इस घर के ऊपर गेम को होल्ड करके बैठा है। तो फिर मैं जल्दी से उसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, और एनमी जैसे ही पीक पास करता है स्नाइपर का एक और शॉट कनेक्ट करके इजिली एनमी को एलिमिनेट कर देता हूँ। और क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी कम होती है, तो जल्दी से कवर में आके मेडकिट भी लगा लेता हूँ। एंड तभी एक एनमी के फुटस्टेप आते, और लिटरली भाई वो एनमी मेरे को फायर करने का भी मौका नहीं देता, और यहाँ पर फर्स्ट गेम में ही हम लोग के साथ मोय मोय हो जाता है। और ये गेम में मेरे को सिर्फ 6+ मिलता है और AWM की ग्लोरी की तो पूछो ही मत यार। तो फिर हम लोग आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट गेम में, और ये गेम में मैं एक एनमी को बीमा शक्ति के पास स्पॉट करता हूँ और उसका पूरा हेड लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन एनमी बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। और देखोगे तो ये गेम में हम लोग के अभी तक 0 kill होते हैं, तभी एनमी को स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट होता है और उसको 150 का डैमेज होता है। तो जल्दी से मैं उसकी शॉर्ट रेंज में निकल आता हूँ। एक एनमी यहाँ पर व्हीकल लेके भी आता है, और जैसे ही वो एनमी निकलता है तो उसको स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करके मैं सोनी एक्टिव कर देता हूँ, और फाइनली ये एनमी भी एलिमिनेट हो जाता है और मेरे सामने फाइट होती है। इधर पे एक एनमी ने पैक किया है और दूसरा वाला एनमी ट्रक को लेके इधर से निकल पड़ता है। तो फिर मैं अपनी वेस्ट को सुधार लेता हूँ, और इधर पे ये वाला एनमी अपनी वॉल को खोलता है, उसको मैं डैमेज करता हूँ। लिटरली भाई एनमी ने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज किया होता है। मैं पैक ही करता हूँ कि एनमी मेरे को उड़ा देता है। मैं एक बार फिर पैक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एनमी एक बार फिर मेरी वॉल को तोड़ देता है, और दूसरा एनमी इधर पे आके मेरे साथ थर्ड पार्टी करता है। ये गेम में मेरे को -4 मिलता है। अब नेक्स्ट गेम स्टार्ट होता है नेक्स्टा के मैप में, और मैं यहाँ पर गेम को बहुत ज्यादा होल्ड करके खेलता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रैंक पुशिंग जर्नी में ये सीखा है कि भले ही +2 मिले, लेकिन माइनस रैंक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तभी एक एनमी को मैं पोस्टर के ऊपर स्पॉट करता हूँ और पूरा एम बना के उसको हेडशॉट से एलिमिनेट कर देता हूँ, और ये गेम में हम लोग के 2 kill होते, और ये गेम में हम लोग को स्नाइपर का पूरा ग्लोरी भी मिल जाना चाहिए। जस्ट लास्ट के 11 एनमी अलाइव होते, और सेफ जोन भी बहुत दूर बना होता है। मैं जल्दी से व्हीकल को लेके सेफ जोन कवर करता हूँ, एंड इधर से एक एनमी के फुटस्टेप भी आते, एंड वेट हम लोग जल्दी से ऊपर रश करते, और यहाँ पर एनमी का शायद थोड़ा सा पिंग इश्यू होता है, उसको डैमेज होता है, और फाइनली ख़त्म। इसके लूट बॉक्स से हम लोग जल्दी से लूट कर लेते, थोड़ी सी हेल्थ भी कम होती है तो एक मैट किट भी लगा लेते। एक एनमी भाई कई हाइट से एक डैमेज कर देता है बहुत ज़्यादा, फिर मैं जल्दी से एक सुपर मैट किट ही लगा लेता हूँ। एंड सेफ जोन के बाहर से एक लैम्बो वाला एनमी भी होता है, और एक एनमी को डैमेज भी होता है। एक एनमी को ऊपर स्पॉट करता हूँ एंड स्कोप को बहुत देर होल्ड करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब एनमी के ऊपर बिल्कुल भी एम नहीं आता है, और वो एनमी पता नहीं कैसे देखो मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है। लिटरली मेरा 5 हेल्थ बचा होता है, और मैं एनमी को इतना ज़्यादा ट्राई करता हूँ डैमेज करने का, लेकिन उसके ऊपर एम ही नहीं बन रहा होता है, हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होती है। मैं जल्दी से हेल्थ को फुल कर लेता हूँ, और भाई ये गैरिना के तो ग्लिचेज ही ख़त्म नहीं होते, लेकिन लिटरली भाई मेरा उसके ऊपर एम नहीं आ रहा है, और वो एनमी मेरे को पूरा एलिमिनेट ही करने वाला होता है यार। कि सेफ जोन श्रिंक होता है तो मैं सेफ जोन कवर कर लेता हूँ, एक एनमी मेरे को डैमेज करता है, मैं पीछे वाले बॉक्स के पास निकल आता हूँ, और पेड़ के पास एनमी होता है उसके ऊपर एम बनाता हूँ और उसको डैमेज भी होता है, लेकिन पता नहीं कैसे ये एनमी मेरे को कवर के पास होने के बाद भी एलिमिनेट कर देता है। और ये गेम में मेरे को 17+ मिलता है और स्नाइपर का 100 glory। देन हम लोग आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट गेम में, एंड हार्ट बस निकलने ही वाला होता है। एक एनमी को मैं बहुत इजीली मैक 10 से एलिमिनेट कर देता हूँ। हम लोग जल्दी से उसके लूट बॉक्स से चल के लूट कर लेते। फैक्ट्री की रूफ में और भी एनमीज के मार्क आ रहे होते,
तो हम लोग को जल्दी से भाई एक व्हीकल ढूंढना पड़ेगा। और इधर पे ये केली का मशरूम होता है तो उसको तोड़ के मैं अपनी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करता हूँ। मेरे को ट्रक तो सामने दिखता है लेकिन एक एनिमी ट्रक के पास ही होता है, उसको जल्दी से एलिमिनेट करना होगा। सो वेट, एनिमी को डैमेज है और इधर और भी एनिमी होते हैं तो मुझे लगता है मेरे को इधर से निकलना चाहिए। और वेट, एनिमी डैमेज कर रहा है और फाइनली ख़त्म। हम लोग जल्दी से ट्रक को लेके इधर से निकलते और थोड़ी देर लूट करने के बाद हम लोग सीधा आ जाते पिंक वेंडिंग मशीन के पास स्नाइपर को परचेज करने। इधर से हम लोग जल्दी से स्नाइपर परचेज कर लेते, मेरे पास कॉइन बहुत सारे। सो वेट, हम लोग डबल स्नाइपर परचेज कर लेते। एंड अभी हम लोग के ये गेम में दो ही किल होते एंड हम लोग आ जाते सीमेंटेड हाउस पे। एंड एक एनिमी के बहुत तेजी से फुटस्टेप आ रहे तो हम लोग इधर पे होल्ड करते। मेरे पास शॉर्ट रेंज वेपन नहीं है तो डैमेज और फाइनली ख़त्म। भाई ये एनिमी को कुछ पता ही नहीं होता है कि मैं इधर पे गेम को होल्ड करके बैठा हूँ। एंड इसके लूट बॉक्स में काफ़ी ठीक सा लूट होता है। एंड हम लोग आ जाते सीधा बीमा शक्ति में क्योंकि बीमा शक्ति में जोन होता है। एंड यहाँ पर भाई मैं बहुत सारे एनिमीज के बीच में आ फंसता हूँ। मतलब एल शेप में एक एनिमी होता है, एक पास में मॉन्स्टर ट्रक वाला एनिमी होता है, लॉन्ग रेंज में भी एक एनिमी होता है और पीक की साइड में एक M60 वाला एनिमी होता है। इधर पे मैं वॉल लगा के एक सुपर मैट किट लगा लेता हूँ तभी एक एनिमी मेरी वॉल पे स्काइलर मारता है। इधर पे वॉल लगाता हूँ बचने के लिए। सो वेट, हम लोग इधर पे पत्थर का कवर लेते, पहले अपनी वेस्ट को सुधार लेते। एंड भाई वो सामने वाला एनिमी डैमेज कर रहा है एंड उसको डैमेज है। और भाई इतने में यार इतने सारे एनिमी होते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे साथ थर्ड पार्टी होती है लिटरली। भाई ये गेम में मेरे को ग्लोरी भी नहीं मिलता और कुछ खास प्लस भी नहीं। देन हम लोग आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट गेम में। एंड पोचिनॉक में एक साइबर एयर ड्रॉप होता है तो मैं उसको चार्ज कर रहा होता हूँ और मैंने ये एक यूएवी लाइट को भी ड्रॉप किया होता है तो उसमें एक एनिमी को मैं स्पॉट भी कर लेता हूँ। एंड इधर पे एक सीक्रेट क्लू का एबिलिटी भी मिलता है तो मैं उसको जैसे यूज करता हूँ तो पता चलता है एनिमी मेरे पास में आ रहा है। तो हम लोग इधर जल्दी से ड्रॉप चार्ज करते। एंड वेट, भाई एनिमी के फुट स्टेप भी आ रहे। ओके, एनिमी विंडो के पास है। सो वेट, हम लोग ड्रैग लेने का ट्राई करेंगे। एंड मेरे को स्नाइपर तो नहीं मिलता है लेकिन भाई फाइनली ये एनिमी को हम लोग इजी एलिमिनेट कर देते। एंड इसके लूट बॉक्स से जल्दी से हम लोग लूट करने चलते। मैंने साइबर एयर ड्रॉप चार्ज किया होता है AWM के लिए लेकिन AWM नहीं निकलती। एंड इसके लूट बॉक्स में भी कुछ खास लूट तो नहीं होती है। एंड पेड़ के पास भी एक एनिमी होता है। सो वेट, हम लोग पेड़ के पास ही चलते जल्दी से एनिमी के ऊपर रश करते। और भाई ये एनिमी ने नेड मारा है मेरे ऊपर तो मेरे पास भी एक नेड है तो मैं इसको बताता हूँ नेड कैसे मारते। हम इसको भाई नेड के साथ स्किल ब्लॉकर भी मारेंगे और फाइनली ख़त्म। भाई ये बंदे के साथ तो बिल्कुल अलग ही वाला मूवमेंट हो जाता है। एंड देन हम लोग इसके लूट बॉक्स से लूट करने के बाद जल्दी से स्नाइपर को परचेज कर लेते। एंड हम लोग सेफ जोन ही कवर करते कि मेरे को एक एनिमी दिखता है ड्रॉप के पास तो एक नेड उसके ऊपर मारते। एंड वो एनमी ने रश किया है सो वेट, इसने क्रोनो की शील्ड को एक्टिव किया एंड इसका कोबरा एमपी 40 एंड एनमी को डैमेज भी है। सो वेट, यहाँ पर शॉट तो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, हम लोग इसकी क्लोज रेंज में चलते। एंड फाइनली ख़त्म। एंड भाई सेफ जोन यार कितना जल्दी जल्दी श्रिंक होने लगता है और एनमीज के बॉक्स से मेरे को साइलेंसर भी मिल जाता है। देन मैं आ जाता हूँ सीधा सेफ जोन कवर करने। और ये गेम में देखना भाई क्या ही खतरनाक वाला बसर्ड होता है। इधर पे ग्लूअल्स लगी होती है और मेरे पास स्किल नहीं होता है तो मैं ऑटो से जंप करता हूँ। इधर लूट बॉक्स ढूंढ रहा होता हूँ लूट करने के लिए तभी एक एनिमी के फुट स्टेप आने लगते। एंड वेट, शॉट मिस है। सो वेट, ये एनिमी के पास M82 भी है। एंड भाई ये भी स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर कर रहा है, इसने मेरे को फर्स्ट शॉट कनेक्ट कर दिया है। एंड इसके पास स्नाइपर है M82 भी तो मेरे को बच के रहना पड़ेगा और एनिमी को डैमेज है बहुत ज़्यादा। और फाइनली ख़त्म भाई, मतलब स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर और शॉर्ट रेंज में। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता था आज तक कि किसी से मैं शॉर्ट रेंज में जीत पाऊंगा लेकिन ये एनिमी को एलिमिनेट करने के बाद मेरे को लगता है भाई कि मेरे को स्नाइपर यूज़ करना थोड़ा बहुत आता है। और एक एनिमी देखो भाई सेफ जोन के अंदर से सेफ जोन के बाहर वाले एनिमी को डैमेज कर रहा है। एंड वेट, इसको डैमेज है। एंड यहाँ पर व्हीकल वाले एनिमीज का बिल्कुल कमी नहीं होता, एक ट्रक वाला एनिमी है एंड ड्रॉप के पास भी एक एनिमी है। सो वेट करते, लैम्बरगिनी वाला एनिमी आ रहा है। भाई बस ये ग्लूअल पे ना दे मारे अपनी लैम्बरगिनी को और सेफ जोन भी श्रिंक होने वाला है। हम लोग जल्दी से हेल्थ को फुल कर लेते। एंड वेट भाई, सामने सामने तीन एनिमीज होते भाई, क्या ही तो हेडशॉट लगता है यार। जल्दी से अपना किल फिनिश करते, ये हॉल डिजाइन ले रहा है। एंड अभी लैम्बो वाला एनिमी भी आ रहा है मेरी तरफ। सो वेट, उसने अपनी लैम्बो को स्विच किया है और भाई पीछे निकल गया, आ रहा है मेरी तरफ। आजा भाई जल्दी से, तो वेट डैमेज इसको 114 का। एंड इसने भाई बाइक उठा ली और फाइनली ख़त्म। अब जल्दी से इसकी लैम्बो को लेके हम लोग सेफ जोन कवर करते। ये गेम में हम लोग के 6 किल होते हैं भाई, 6 किल।
एंड जस्ट लास्ट के 6 ही एनमी अलाइव होते हैं और बोलते ही बोलते 7 किल भी हो जाते हैं। एंड फ्रेंच के पीछे एक एनमी होता है भाई, ये तत्सियो की एबिलिटी करके सेफ जोन निकल गया। सो वेट, हम लोग अपने सबसे पहले तो वेस्ट को सुधार लेते हैं भाई, जस्ट लास्ट के 4 ही एनमी अलाइव है। स्नाइपर को भी रिलोड कर लेते और हेल्थ थोड़ी सी कम होती है तो हेल्थ को भी फुल कर लेते। एंड भाई ये एनमी मेरी वॉल पे वॉल मेल्टर मार रहा है। एंड फाइनली इसका सोनिया एक्टिव है, इसके पास दिमित्री तो नहीं तो होता है, ये एलिमिनेट ही हो जाता है। एंड हम लोग को भाई सेफ जोन एक बार फिर कवर करना पड़ेगा यार। हम लोग आ जाते हैं सीधा सेफ जोन के पास एंड जस्ट लास्ट के 3 ही एनमी अलाइव होते। वॉल के पास एनमी होता है, उसको डैमेज होता है, सो इट इसकी वॉल को हम लोग तोड़ते जल्दी जल्दी। एंड भाई ये गेम को हम लोग को कैसे भी करके बोया निकालना होगा यार। आज पूरी सीरीज में हम लोग एक भी गेम बोया नहीं निकाले। एनमी के ऊपर नेट मारते हैं, उसको नेट से डैमेज होता है, कोर नेट उसके ऊपर मारते। एंड वेट, यहाँ पर एक नेट हम लोग थोड़ा लेट में मारेंगे और फाइनली ख़त्म। जस्ट लास्ट के 2 ही एनमी अलाइव है, एक एनमी सेफ जोन के पास है। हम लोग जल्दी से उसके लूट बॉक्स पे वॉल लगा लेते हैं एंड वो एनमी के ऊपर मार्क आ रहा है और डैमेज है एनमी को। एक एनमी शॉर्ट रेंज में भी है जोन के पास, तो जल्दी से चल के उससे फाइट करते एंड वो एनमी को एलिमिनेट कर देता है लास्ट वाला एनमी। एंड जस्ट लास्ट का एक ही एनमी अलाइव होता है। सो वेट, एनमी नेड मार रहा है एंड ये वॉल के पास है कि यहाँ पर शॉट तो भाई बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहे। पता नहीं क्यों कभी कभी स्नाइपर को यूज़ करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एंड एनमी ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया, तो इसको MP40 से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और भाई फाइनली ख़त्म यार। इस एपिसोड में हम लोग कम से कम एक गेम तो बोया करते हैं, मेरे को लगा नहीं था कि हम लोग का एक भी गेम बोया होगा।